अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान अपने मुंह से इंस्ट्रूमेंट्स की आवाजें निकाल सकता है, जैसे कि ड्रम्स, इलेक्ट्रिक गिटार, यूकेलेली, बाजी की आवाज, वाटर ड्रॉप साउंड, सायरन, और सिर्फ इनकी आवाजें ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा साउंड ट्रैक, एक्चुअल साउंड ट्रैक अपने मुंह से प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? ऐसे यकीन करना मुश्किल होगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है उस्ताद। इस वक्त आपको ये लग रहा होगा कि भाई आपको मामू बनाया जा रहा है, सारा कमाल एडिटिंग के पीछे हमने म्यूजिक लगा दिया और आपको बनाया जा रहा है, तो नहीं मेरे दोस्त, ये जो रिदम आपने सुनी ये मेरी आवाज का कमाल है। जी हाँ, दिस आर्ट इज कॉल्ड बीट बॉक्स। यस, तो बादशाह शशके को यू ऑन है कि इस कला, इस आर्ट को तकरीबन कोई 18वीं सदी में बनाया गया, जब इंस्ट्रूमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं होती और इंसान इसी तरह अपने म्यूजिक को प्रोड्यूस किया करते थे। कदीम जमाने की बात है, शुरुआत जो है वो तालियों से हुई थी। जी हाँ, जो कि आज भी हमारी कवाली में चार चांद लगा। अब आ रही है बात कुछ समझ में। अफ्रीकन ट्राइब्स अपनी बॉडी पर टैप करके अपनी सांसों को रिदम में ऊपर नीचे करके साउंड प्रोड्यूस किया करते थे। हाँ, इसी तरह इवन ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मर्स भी इस कला को इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑडियंस का दिल जीतते हैं। जी हाँ, अब टाइम जोन में थोड़ा सा आगे चलते हैं, समथिंग अराउंड 1994 के अंदर, जब पॉप म्यूजिक का दौर हुआ करता था। माइकल जैक्सन, जी हाँ, इवन माइकल जैक्सन द किंग ऑफ पॉप अपने म्यूजिक में बीटबॉक्स का एलिमेंट यूज करते थे। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल माइकल जैक्सन का गाना बिली जीन, जिसका साउंड ट्रैक इटसेल्फ पूरा बीटबॉक्स पे मुश्तमिल है। क्या ही बात है भाई। तो पिछले जमानों में बीट बॉक्सिंग को कुछ इस तरह से परफॉर्म किया जाता था, लेकिन अब तो जमाना ही बदल गया। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड जहाँ इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स की इन्वेंशन हो गई है, अब बीट बॉक्स को हिप हॉप के लेवल पे ले जाया जा चुका है। राइट नाउ इन 21st सेंचुरी बीट बॉक्सिंग हिप हॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द 5th एलिमेंट ऑफ द हिप हॉप। जी हाँ, याद रहे ये उस स्किल के बारे में बात हो रही है जिसको ह्यूमन वॉइस से मिमिक करके निकाला जाता है। डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्ट्रूमेंट्स एट ऑल। भाई YouTube से पहले ना आपका भाई बीटबॉक्सर हुआ करता था, इसकी कहानी भी है, बताएंगे किसी दिन, लेकिन आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और कंटेंट के साथ, तब तक अपना बड़ा ख्याल रखेगा, शाबा कटो।